नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना महामारी की वजह से इस बार दीपावली का रंग कुछ हल्का हो गया है। देश के कई राज्यों में पटाखों को बेचने और चलाने पर सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके चलते धनबाद जिले में दिलीप सिंह ने मिट्टी के 5,000 दिए गरीब परिवार को बांटने के लिए बनवाए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आओ चले हर घर में दिया जलाएं, सदियों से है अंधेरा, उन घरों को रोशन बनाएं। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी पिछले कई वर्षों से दीपावली के अवसर पर गरीबों के बीच दिया बाती और तेल का वितरण करते आ रहे हैं। इस दीपावली के अवसर पर भी गरीबों को बांटने के लिए दिलीप सिंह ने करीब मिट्टी के 5,000 दिए और तेल को लगभग 6,000 पैकेट में पैक करवाया है और इसके वितरण के लिए जोड़ा फाटक चनवरी गांधी रोड में ग्रामीणों के बीच संयुक्त रूप से महिलाओं और बच्चों को मिट्टी की दिया, रुई की बाती और सरसों का तेल देकर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की और उनसे दीपावली के अवसर पर घरों को रोशन करने की अपील की। मौके पर उपस्थित जीरा खान सिंह, टिंकू साहब, सनी यादव, बंटी रवानी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। NGT द्वारा पटाखों पर लगाए गए बैन को दुखद बताया, साथ ही कहा कि हमारी परंपरा है कि दीपोत्सव में घर घर में दिया जलाया जाता था, अब तो चाइनीज लाइट लगाई जाती है। पहले दीपावली में दिया बनाने वाले को रोजगार मिलता था, अब उनकी वह कला भी विलुप्त होती जा रही है। इसी के चलते हम लोग से 1.25 लाख दिए भी उनसे लेते हैं ताकि उनकी आर्थिक मदद हो जाए और वे खुशी से दीपावली मना सकें। वहीं ये दिए बाती और तेल जिन गरीबों में वितरित करते हैं उनके यहाँ भी दीपावली पर रोशनी हो जाती है। यहाँ दीपावली तो सभी मनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी गरीबों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। HBN न्यूज़ की खास रिपोर्ट। बताएं, आज दिया वितरण किया गया, इस विषय में बताएं। आज हम लोग रामनगर चनवारी गांधी रोड में दिया वितरण, मिट्टी का दिया वितरण कार्यक्रम किए हैं, जिसमें काफ़ी घरों में हम लोग चुन करके सर्वे करके पता किए हैं, उन घरों में जहां ज़रूरत है वहां दिया बांटने का काम किए हैं। हम लोग का लक्ष्य है 5,001 दिया हमारे संस्था द्वारा बांटा जाएगा, जिसमें सभी सदस्य का इसमें अहम भूमिका है, जो कि ऐसे कदम एक उठा रहे हैं जो दिवाली में किस तरह से खुशी मना करके हम लोग को अपने देश के प्रति जागरूक करके जो चाइना का बहिष्कार करते हुए हम लोग को मिट्टी दिया जलाने का, जिस कारण से हम लोग को कुम्हार भाई लोग जो कि सालों साल इंतजार करते हैं कि ये दिवाली आए, वो दिवाली आया हुआ है और आर्थिक स्थिति उनके कमज़ोर ना हो, जिस कारण से सभी लोग मिट्टी का दिया यूज करें, उसका हम लोग एक ही संदेश देते हैं और आगे भी हम लोग लगातार दिया बांटने कार्यक्रम करते रहेंगे। जहां जरूरत हो वहां युवा संघर्ष मोर्चा पूरी टीम तैयार। अपना परिचय दे। दिलीप सिंह, केंद्रीय संयोजक, युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।